सलाम वालेकुम, मैं शामशिल कुकर शाम में बात करी मुझे को बोलने की एपिसोड में 35 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आपने देखा उसकी माँ से कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, उसकी दादी भी कहती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और वहीं पे दूसरी तरफ आतिर अपने बहन से पूछता है तो उनसे कहता है कि नहीं वो काफ़ी अच्छी है और इस तरह कुछ भी नहीं है। अपनी माँ को भी मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे मिलने तक के लिए तैयार नहीं होती। वहीं पर सामान काफ़ी खुश होता है कि वो मायरा को घर वापस ले आया है। वहीं पर उसकी माँ जाती है मिठाई लेकर, सब काफ़ी खुश होते हैं। रमशा पूछती है तो कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, डॉक्टर के पास जब जाती है तो कहती है कि कभी माँ नहीं बन सकती। और विशाल का इस बात से बुरा हाल हो जाता है, जब वो घर आती है तो काफ़ी परेशान होती है। उसके साथ उससे पूछती है और रमशा भी लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। आने वाले एपिसोड में देखें किस तरह विशाल कहती है कि एक तरफ मेरी बहन है और एक तरफ मेरा शायद जिसको मेरी कोई भी परवाह नहीं है, मेरी बहन मेरे लिए इतनी तकलीफ में बर्दाश्त कर रही है। मेरी रमशा अपने भाई को बताती है कि पहले वो डॉक्टर के पास गई तो ठीक थी लेकिन आते ही उनकी तबियत काफ़ी ख़राब थी और वो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा रोना है। वहीं पे महिला उसके साथ लेकर आती है और दूसरी तरफ उसकी माँ उसके लिए काफ़ी परेशान होती है। वहीं पे उन दोनों को साथ दिख लेता है, उसे देखता है कि वो वहाँ पे कहीं जा रही है। वहीं महिला और महिला के साथ काफ़ी बदतमीजी करता है सामान और सामान आते को कहता है कि तुम वो पहले शख्स हो जिसने मुझे पहचान लिया है लेकिन तुम्हारा मैं कब तक साथ नहीं छोड़ना। सबको सामने आके उस पर हाथ उठाता है सामान और देखता है यह है कि हमारा अपनी जान छुड़वा सकेगी, इसलिए हमें आप बिल्कुल एक मिनट के जरिए दे दीजिएगा।